और जो तौबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो अल्लाह की तरफ रुजू करता है, और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो शरीफाना अंदाज से गुजरते हैं, और वो कि जब उनको उनके परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर फिक्र से सुनते हैं, और वो जो दुआ मांगते हैं कि ऐ परवरदिगार हमको हमारी बीवियों की तरफ से और औलाद की तरफ से आंखों की ठंडक अता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना, इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहां फरिश्ते उनसे दुआ व सलाम के साथ मुलाकात करेंगे, उसमें वो हमेशा रहेंगे और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है। कह दो कि अगर तुम अल्लाह को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता, तुमने तकजीब की है।